अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन स्ट्यू, सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ रेसिपी। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं ना 400 ग्राम प्याज को छील रही हूँ और इसे लंबा लंबा स्लाइस कर लेती हूँ। हाँ, तो चलिए, मेरी सारी प्याज कट चुकी है और अब मैं फटाफट किचन में चलती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले निकाल के रखे हैं, ये देखिए। ये है 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, साबुत जीरा, 6-8 लौंग, 6-8 काली मिरी, 1 बड़ी इलायची, 1 टंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ते, 4-5 हरी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर के अंदर 1/2 कप जितना तेल डालिए। डेफिनेटली थोड़ा तेल ज़्यादा ही रहेगा, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। उसमें ये सारे गरम मसाले डाल दीजिए और फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब सारे गरम मसाले तड़तड़ा जाएं, तो डाल दीजिए बारीक लंबी कटी हुई 400 ग्राम प्याज और इसे आपने फ्राई करना है। प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज कच्ची पक्की नहीं हो जाती, तब तक। अच्छा, ये प्याज को आपने बिल्कुल भी लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और ना ही हल्का भी उसे कलर चेंज करने तक रहने देना है। हमारा ये वाइट स्ट्यू है, नहीं तो कलर खराब हो जाएगा। चलिए, ये जब कच्ची पक्की हो जाती है कुछ देर में, तो ये हो जाएगी। चलिए, तकरीबन कच्ची पक्की हो चुकी है और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं, लहसुन है, ये 2 छोटे चाय के चम्मच है। आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं और 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक है। अच्छा, एक छोटा सा अदरक था उसे बारीक काट लिया था और लहसुन 10 थे। इसमें मैं तब भी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ, तो 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, कटा हुआ भी डाला मैंने, उससे अच्छा फ्लेवर आता है, और पेस्ट भी डाला। अब इसे आप फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। उसके बाद 1/2 किलो गोश्त को धो के नितार कर इसमें डाल दीजिए और इसमें कुकर में डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे तकरीबन 2-3 मिनट पकाएं, या तब तक पकाएं जब तक गोश्त का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। इसके दरमियान में मैं नमक डाल देती हूँ हल्का सा, तो इसमें स्वाद भी आएगा, थोड़ा सा नमक भी लगेगा मटन के अंदर। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाता है, तो 1/2 कप पानी डाल दीजिए। नमक आप चाहें तो फिर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, मैंने पहले डाला था। और इसे चूल्हा फास्ट आंच पर ही है, इसे ढक दीजिए, कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए, तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट रहने दें, या तब तक पकाएं जब तक आपका गोश्त नहीं गल जाता, तब तक। तो मैं तो इसे तकरीबन 12 या 15 मिनट तक रख रही हूँ। चलिए, ये हो चुका है, तो मैं बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। बहुत प्रेशर होगा ना, बहुत गर्म है। चलिए, इसकी प्रेशर निकल चुका है, इसे मैं खोल लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ। गोश्त चेक कर लीजिए, ये देखिए, मैं भी चेक कर लेती हूँ, अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं चूल्हा फिर से चालू कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं, प्याज है ना, साबुत दिख रही है एकदम। तो अब हम इसे पका लेते हैं। फास्ट आंच पर मत कीजिएगा, मीडियम आंच कर दीजिए और इसे है ना आप बार बार चलाते रहें और इसे भून लेते हैं। मैंने 2 जो सूखी लाल मिर्च है ना, वो अभी डाली। आप चाहें तो स्टार्ट में भी जब प्याज डालें उसी समय डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था उस समय। अच्छा, अब इसका आप देख सकते हैं, कुछ देर पकाइए इसे, या तब तक पकाइए जब तक तेल नहीं छूट जाता और जो प्याज है वो भून नहीं जाती। तकरीबन 3-4 मिनट लगेगी उसे। ये देखिए, कितने अच्छे से भून चुकी है और तेल आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, ये देखिए। तो अब प्याज इस तरीके से भून जाए पूरी तरीके से और तेल अच्छा ऊपर आ जाए, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून, तकरीबन 1/2 कप गाढ़ी दही। दही को पहले से ही मैंने फेंट लिया है, रूम टेम्परेचर पे है और ज़्यादा खट्टी नहीं है। ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, दही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो प्याज है ना, इसकी मिठास होती है, उसे ये दही कट कर देगी और जो बैलेंस टेस्ट आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। बार बार चलाते रहिए कंटिन्यूसली इसे और मीडियम आँच पर ही रहने दीजिए और तकरीबन 4-5 मिनट इसे मीडियम आँच पर पकने दीजिए। ये देखिए, दही का भी जो पानी है वो छूटेगा ना, तो इसमें भी अच्छे से और पकेगा। और जो प्याज है, मैंने आपको अभी दिखाया कि बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से भुना चुकी है, एकदम ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी प्याज। तो जब 4-5 मिनट हो जाए आपकी ये दही भुनने को, तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे
इसका जो कुकर का ढक्कन है ना, उसकी जो गैस्केट है वो निकाल दीजिए और ढक कर स्लो आंच पर 4-5 मिनट उसे पकने दीजिए। तो थोड़ा सा अच्छा सा तेल ऊपर आ जाएगा। बीच में मैं नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि हमने नमक डाला ही नहीं है, स्टार्ट में ही मैंने डाला था। तो चलिए अब मैं इसे स्लो कर देती हूँ, ढक कर 4-5 मिनट और पका रही हूँ। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। यहाँ बट यहाँ मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चियाँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, फीकी है, ऐसी स्लिट मार के डाल देती हूँ, और खूब सारी कोथमीर डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ हरी मिर्चियाँ मैंने एंड में डाली हैं क्योंकि हम लोग तो हर बाइट के साथ हरी मिर्चियाँ खाने वाले हैं। बट अगर आप उस तरीके से नहीं खा रहे हो लेकिन हरी मिर्चियों का फ्लेवर भी होना चाहिए, तो आप जब प्याज डालते हो उस समय आप इससे हरी मिर्चियों को काट कर डाल दीजिएगा तो वो फ्लेवर आएगा, नहीं तो सिर्फ मीठा मीठा टेस्ट लगेगा। स्पाइस भी होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी टेस्ट आएगा इसमें और हल्का खटास भी आएगी दही की। चलिए तेल आप देख सकते हैं ऊपर छूट चुका है, चूल्हा कर दीजिए बंद। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म इसे इसमें। क्या मज़ेदार सा लग रहा है मटन वाइट स्ट्यू, टेस्ट में भी बढ़िया है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ी सी मैंने साइड पर कटी हुई हरी मिर्चियाँ रख दी थी वो ऊपर से डेकोरेट कर लेती हूँ उसे, और थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ। अगर आपकी ये जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा सूख जाती है बाय मिस्टेक आपसे, या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए एंड में है ना 1/4 कप या आधा कप पानी गरम कर कर ये जो मटन का स्ट्यू है उसमें डाल दीजिए, एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है फिर चूल्हे को स्लो करके ढक कर 3-4 मिनट उसे दम पर पकने दीजिए, फिर सर्विंग बोल में निकाल कर थोड़ी सी हरी मिर्ची और कोथमीर डालिएगा। तो चलिए आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ, मैं तो बस अभी खाने बैठ रही हूँ। अच्छा, कुछ मटन की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये रेसिपी को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आपके और आपकी फैमिली के साथ, और ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। Then take care, Allah Hafiz, bye bye, dua mein yaad rakhiyega।